प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। सत्य के प्रति आस्था के वेदों के संदेश को जीवन में अपनाकर समाज मानव मात्र के कल्याण के पक्ष पर अग्रसर हो सकता है। यमों से निर्दिष्ट होते हुए नियमों के समुचित पालन के द्वारा मनुष्य अपने भौतिक लौकिक पारलौकिक कल्याण को सुनिश्चित कर सकता है। ये शब्द हैं दयानंद सरस्वती के। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारतीय समाज सुधारक और विचारक थे। उन्होंने हिंदू समाज को कुप्रथाओं और अंधविश्वासों के बंधन से मुक्त कराने और उसके प्राचीन गौरव के पुनरुत्थान का बेड़ा उठाया। उन्होंने धार्मिक जीवन में बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए निराकार एकेश्वरवाद का प्रचार किया। विभिन्न मत मतांतरों पंथों तथा संप्रदायों में बटे भारतीय समाज को एक जुट करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद ने भारत के गौरवशाली अतीत को आलोकित किया और देशवासियों को अपनी पतित अवस्था से ऊपर उठाकर भविष्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। उन्होंने भारतीय संस्कृति की महानता का प्रतिपादन किया। हिंदू पुनरुद्धार की आवश्यकता पर बल दिया। देशवासियों को पाश्चात्य प्रभाव में न आने तथा अपने राष्ट्रीय गौरव को न भुलाने की चेतावनी दी। स्वामी दयानंद ने ऐसे समय भारतीय राष्ट्रवाद को पुनर्जीवित किया जब विदेशी साम्राज्यवाद के अधीन था। भारत को जगाने में स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौट चलो। लोग भारतीय वेदों को भूल चुके थे और उनको वेदों की ओर पुनः लौटने के लिए एक आह्वान किया दयानंद सरस्वती ने। तो दयानंद सरस्वती को पढ़ने से पहले, इसकी चर्चा करने से पूर्व, हम उनके जीवन परिचय के बारे में संक्षेप में बताएंगे और उसके बाद में दयानंद के विचारों के दार्शनिक आधार के बारे में चर्चा करेंगे। दयानंद सरस्वती का जन्म विक्रम संवत 1881 के फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की दसवीं को सन 1824 में गुजरात के काठियावाड़ की मौरवी विरासत के टंकारा नामक कस्बे में हुआ। इनका परिवार बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। बचपन का नाम इनका मूल शंकर था और इनके पिता अम्बाशूद एक जमींदार और निष्ठावान शिव भक्त थे। दयानंद की माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी और मूल शंकर को प्रारंभ से 5 वर्ष की आयु में ही शिक्षा दीक्षा प्रारंभ इनकी माता ने शुरू कर दी थी। इन्होंने नीति शास्त्र, यजुर्वेद, व्याकरण, काव्य साहित्य आदि का अध्ययन किया। मूल शंकर बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के बालक थे और बहुत ही विचारशील प्रवृत्ति के थे। 14 वर्ष की आयु में इन्होंने यजुर्वेद संहिता कंठस्थ कर ली और बाल्यकाल में एक घटना ऐसी घटी थी जिसके इनके बालक के मन पर बहुत ही उसका व्यापक प्रभाव पड़ा और उनका मत यह बना कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक तरह से विचारों को जन्म दिया। कहानी इस प्रकार से है कि शिवरात्रि का व्रत था। शिवरात्रि के दिन अधरात्रि को भजन कीर्तन इनके घर पर हो रहा था और उस भजन कीर्तन पर सब लीन थे और अचानक सबको नींद आती है और लेकिन बालक मूल शंकर जगे रहते हैं और इन्होंने ये देखा कि एक चूहा शिव की मूर्ति पर चढ़ करके और कुछ फल फ्रूट और फूल आदि को कुतर रहा है। बालक के मूल शंकर में के विचार में मन में ये विचार आया कि जो भगवान जो ईश्वर अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता है तो वो दूसरों की रक्षा कैसे करेगा।
तो तब से ही दयानंद के मन में मूर्ति पूजा के विरुद्ध विचार बहुत अधिक प्रबल हो गए। वे सदैव इस सत्य की खोज हेतु चिंतन में लीन रहने लगे कि क्या ईश्वर वास्तव में ईश्वर है तो उसका स्वरूप क्या है और वो कैसा दिखता है, आदि विचार उनके मन में निरंतर रूप से आते रहे। इन्हीं भावों के कारण उनके मन में सांसारिक चीज़ों से विरक्ति पैदा हो गई और वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया, और इस वैराग्य भाव को देख करके परिवार के जन चिंतित हो गए और उन्होंने इनकी शादी विवाह करने का निश्चय किया। इनका 15 ये परिवार में ये निश्चय किया गया, परिवार ने ये निश्चय किया कि उनका विवाह कर दिया जाए। किंतु विवाह से बचने के लिए दयानंद 21 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ करके और चले गए। 1845 से 1860 तक 15 वर्षों तक वो ज्ञान की खोज में भटकते रहे और 1860 में मथुरा के एक नेत्रहीन साधु ब्रजानंद के संपर्क में आए। ब्रजानंद अंधे थे और इनकी कुटिया में जाकर के स्वामी दयानंद ने कहा, गेट खटखटाया और गेट खटखटा के उन्होंने अंदर से आवाज़ आई कि आप कौन हो। तो उन्होंने दयानंद संगत ने कहा कि यही जानने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ आपके पास में। इससे प्रभावित होकर के ब्रजानंद जी ने उन्होंने अपना शिष्य स्वीकार किया। 2.5 वर्ष तक वो ब्रजानंद के शिष्य रहे और 2.5 वर्ष तक वो ब्रजानंद के शिष्य रहे। स्वामी ब्रजानंद ने दयानंद को वेदों की दार्शनिक व्याख्या कराई, वेदों की दार्शनिक व्याख्या सिखाई। उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में दयानंद से ये वचन लिया कि वे अपना शेष जीवन वेदों के प्रचार प्रसार व भारत में धर्म के नाम पर प्रचलित हो गई रूढ़ियों, पाखंडों और अंधविश्वासों के उन्मूलन के लिए अर्पित कर दें। स्वामी ब्रजानंद ने दयानंद को आदेश दिया कि देश में वेदों का अध्यापन बंद हो चुका है तथा भारतवर्ष में ज्ञान का अंधकार विद्यमान है, तुम वेदों के ज्ञान को पुनः प्रतिष्ठित करो और अज्ञान के अंधकार का नाश करो। 1864 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से उपदेश देना आरंभ किया और 17 मई 1866 को उन्होंने हिंदू वेद शास्त्रियों और परंपरावादी पंडितों से शास्त्रार्थ किया। ये शास्त्रार्थ करने से उनकी ख्याति दूर दूर फैल गई और 1875 में बम्बई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद ने वेदों का ज्ञान सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की और उनके ग्रंथों में जो प्रमुख रूप से है वो है सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, वैदिक मनुस्मृति, मनुस्मृति की संशोधित टीका, सत्य धर्म विचार, अष्टाध्यायी भाष्य, वेदांग प्रकाश, पुनः प्रवर्चन, आर्याभिविनय, आर्योद्देश्य रत्नमाला, पंचमहायज्ञ विधि, काशी शास्त्रार्थ, गोकर्मणा निधि, ब्रह्मोच्छेदन, व्यवहार भानु, संस्कृत वाक्यबोध, वेद विरुद्ध मत खंडन, वेदांत ध्यावंती निवारण, शिक्षा पत्री ध्वांत निवारण, स्वामी नारायण मत खंडन, शास्त्रार्थ, उंगली हुगली, मूर्ति पूजा के विचार और स्वामी दयानंद के शास्त्रार्थ, ये इनके प्रमुख रूप से इनकी कृतियां हैं। और दयानंद ने संपूर्ण यजुर्वेद और ऋग्वेद के 10 मंडलों में से 6 मंडलों तथा 7वें मंडल के कुछ अंशों का भाष्य भी किया है। राजनीतिक दृष्टि से सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदार्थ काव्य तथा मनुस्मृति का भाष्य विशेष महत्व रखता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे दयानंद सरस्वती के दार्शनिक विचारों के दार्शनिक आधार का।
स्वामी दयानंद सरस्वती का विश्वास था कि धार्मिक सुधारों के अभाव में राष्ट्र और समाज के पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। मूल रूप से दयानंद सरस्वती एक राजनीतिज्ञ न होकर एक दार्शनिक और समाज सुधारक थे, अतः उनके राजनीतिक विचारों का निर्माण भी दार्शनिक आधारों पर ही हुआ। उन्होंने ये अनुभव किया कि जब तक देशवासियों से धार्मिक सामाजिक बुराइयों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक भारत में किसी प्रकार की राजनीतिक उन्नति और प्रगति की आशा करना व्यर्थ है। हालांकि दयानंद सरस्वती के समस्त चिंतन पर ब्राह्मण ग्रंथों, शूद्र ग्रंथों, मनुस्मृति, चाणक्य नीति, शुक्र नीति आदि अनेक ग्रंथों का प्रभाव दिखाई देता है, किंतु उनके चिंतन पर सर्वाधिक प्रभाव वेदों का ही है। दयानंद ने राष्ट्र और समाज को वेदों के आधार पर आलोकित करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि यदि भारतीय वेदों के अनुसार अपना आचरण संभाल ले तो उनकी हीनता की भावना जाती रहेगी। स्वामी दयानंद ने किसी नए धर्म का प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि उनकी मान्यता का आधार विशुद्ध वेदांत ही रहा है। वेद संबंधी उनके विचारों को इस तरह से समझा जा सकता है। फर्स्ट है, वेद अपौरुषीय ग्रंथ है। दयानंद वेदों को मानवीय ज्ञान का प्रारंभिक और प्रमाणिक स्रोत मानते हैं। उनके अनुसार मानव कल्याण के लिए आवश्यक ज्ञान के सभी आयाम वेदों में समाविष्ट हैं। दयानंद के अनुसार वेद मानवीय कृति नहीं है, बल्कि अपौरुषीय है, क्योंकि उनकी रचना किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं की गई है। ईश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में पहले चार पुरुषों अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के अंतःकरण में वेदों के ज्ञान को प्रकट किया, और इन चारों ऋषियों से ब्रह्मा ने वेदों के ज्ञान को प्राप्त किया। अतः वेदों से संचित ज्ञान मानवीय मस्तिष्क और विवेक की तुलना में उच्चतर ज्ञान है। वेदों का अनुसरण करने से मनुष्य का बहुमुखी कल्याण संभव है। दयानंद के अनुसार वेदों में भौतिक, लौकिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का ज्ञान समाविष्ट है। वेदों में दो प्रकार की विद्याओं का उल्लेख है, एक अपरा, दूसरी परा। दयानंद के अनुसार अपरा विद्या के अंतर्गत भौतिक, लौकिक पदार्थों के गुणों और लक्षणों की मीमांसा की गई है, तथा परा विद्या के अंतर्गत सर्वशक्ति मान ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग सुझाया गया है, जिसे हम पारलौकिक भी कह सकते हैं। उनके अनुसार परा और अपरा दोनों प्रकार की विद्याओं के माध्यम से वेद लौकिक कल्याण, आध्यात्मिक सिद्धि दोनों के लिए मनुष्य को आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वेदों का अभिप्राय क्या है? वेद का अर्थ ज्ञान से है। वेद का अर्थ ज्ञान से है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य ने पीढ़ी दर पीढ़ी वेदों के ज्ञान को सुनकर ग्रहण किया। इस प्रकार इस अपौरुषीय ज्ञान, ईश्वर कृत ज्ञान के दो नाम हैं, वेद और श्रुति। वेद एवं श्रुति, हालांकि वेदों के चार प्रकार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, किंतु उनमें निहित ज्ञान में एकता है और कोई अंतर्विरोध नहीं है। वेदों में ईश्वरीय विद्या है, अतः वे अक्षरशः सत्य है, इस कारण उनके ज्ञान का अंत होना भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार वेदों का अभिप्राय उन्होंने बताया। वेद समस्त विद्याओं का मूल है। दयानंद के अनुसार वेदों में दर्शन एवं ब्रह्म विद्या के अलावा सृष्टि विद्या, भौतिक विद्या, ज्योतिष विद्या, खगोल शास्त्र, गणित विद्या, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, गृहस्थ धर्म आदि अनेक विद्याएं मौजूद हैं। अतः वेद समस्त विद्याओं का मूल स्रोत है। समस्त विद्याओं का मूल स्रोत क्या है? वेद है। दयानंद के अनुसार वेदों में वर्णित ज्ञान के विशाल भंडार को सुविधा के लिए चार मुख्य भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। विज्ञान अर्थात सब पदार्थों को यथार्थ रूप में जानना, कर्म, उपासना तथा ज्ञान
दयानंद के अनुसार इन चारों श्रेणियों में विज्ञान सर्वोपरि के सर्वोपरि है, क्योंकि विज्ञान के माध्यम से कर्म, उपासना और ज्ञान का समुचित उपयोग किया जाना संभव है। विज्ञान मनुष्य को ये क्षमता प्रदान करता है जिसके माध्यम से वह ईश्वर का यथावत ज्ञान अर्जित कर सकता है। साथ ही ईश्वर द्वारा किए रचे गए एवं ईश्वर का यथावत ज्ञान अर्जित एवं साथ ही ईश्वर द्वारा रचे गए समस्त भौतिक लौकिक पदार्थ के गुणों का यथावत विचार करके उनका मानव कल्याण के लिए उपयोग कर सकता है। चौथा है ब्रह्म की सत्ता में आस्था। वेदों से दयानंद ने एकेश्वरवाद का संदेश ग्रहण किया। उन्होंने इस मत का खंडन किया कि वेदों में वर्णित देवता वास्तविक देवता या देवियां हैं तथा उनका उनको उपासना की उनकी उपासना की जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वास्तविक ईश्वर तो ब्रह्म परम ब्रह्म है। वेदों में वर्णित देवता अग्नि इंद्र अग्नि वरुण वायु आदि दो भौतिक शक्तियों और प्राकृतिक सत्ताओं के प्रतीक हैं। पांचवा है वेद समस्त नैतिकताओं का स्रोत है। दयानंद के अनुसार वेदों ने मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन के संचालन के लिए आवश्यक आवश्यक नैतिक ज्ञान उपलब्ध कराया है। ईश्वर ने वेदों में मनुष्य के लिए जिन कार्यों को करने की अनुमति दी है उन्होंने धर्म और जिन्हें करने के लिए अनुमति नहीं दी है उन्हें अधर्म कहा जा सकता है। वेदों में मनुष्य को असत्य से विमुख होने तथा सत्य का आचरण करने का संदेश दिया गया है। वेदों में प्रतिपादित सदाचरण के सूत्रों में पुरुषार्थ दया परोपकारिता निर्भीकता दृढ़ता ब्रह्मचर्य न्यायनिष्ठता आदि गुण समाविष्ट हैं। वेदों के मंत्रों के आधार पर दयानंद ने प्रतिपादित किया कि मानवीय जीवन को यमों और नियमों के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए। यम मानवीय आचरण के शाश्वत और सार्वलौकिक सैद्धांतिक पक्षों को व्यक्त करते हैं तथा नियम यमों के अनुरूप मनुष्य में समुचित व्यवहार के सटीक मापदंडों के रूप में समझे जा सकते हैं। अहिंसा सत्य असत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम के पांच मुख्य तत्व हैं तथा संतोष पुरुषार्थ आलस्यहीनता तप स्वाध्याय पवित्रता एवं ईश्वर की आराधना के नियम के सात मुख्य तत्व हैं। दयानंद के अनुसार यमों और नियमों से निर्दिष्ट होते हुए मनुष्य अपने भौतिक लौकिक पारलौकिक कल्याण को सुनिश्चित कर सकता है। इस प्रकार हमने आज स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय और उनके विचारों के दार्शनिक आधार की चर्चा की है। धन्यवाद।